अरे शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके पूरे टीम को। आखिरकार आपको अच्छे टीम के सामने एक जीत मिल ही गई। नहीं तो पिछले 15-20 सालों से सिर्फ आप लोग जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान जैसे टीमों के सामने ही जीत रहे थे। आखिरकार आप लोगों को द ऑस्ट्रेलिया नमक टीम के सामने जीत मिली। अरे घोड़े के नाल सी शक्ल वाले एरन पिंच, बैलगाड़ी के रिंच, अब न लो पंगा हमारी टीम से। और ज़रा ध्यान से जाके पूछ लो अपने टीममेट स्टीव स्मिथ से कि कल के मैच में मैंने एक ही ओवर कर मारा, वो सीधे गिर गए आके हमारे कदमों पर। और रोहित भाई, आपने तो कल ऑस्ट्रेलिया वालों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। 20 गेंदों पर 46 रन की कतई जहर वाली नॉट आउट पारी खेली आपने। अबे बुमराह, कल के मैच में अगर वैसा पारी नहीं खेलता तो सोचो क्या हमें जीत मिल पाती। पहले राहुल को एक मैच खेलता है वो लड़का और 15 मैच में फेल होता है। ठीक उसी तरह सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या सबका वही हाल है। वो तो आखिरकार मैच में दिनेश भाई लास्ट में आया और 2 बॉल पर 10 रन मार के मैच फिनिश किया और अपना फिनिशर का काम पूरा किया। अबे यार रोहित, तुम ऐसा वैसा फालतू की टेंशन ना लो। जब तक टीम में द फिनिशर दिनेश कार्तिक रहेगा तब तक हमारी टीम कोई भी मैच आसानी से जीत सकता है। तुम टेंशन ना लो, अब की बार वर्ल्ड कप भी हम ही लोग जीतेंगे। वो तो भला हुआ जो सेजलवुड का कि नहीं आया हमारे सामने, नहीं तो देखते तुम मैं किस तरह उसको आज पीट पीट के चौड़ा कर देता। अरे यार कार्तिक, ये कुछ ज़्यादा ना हो गया तुम्हारा? तुम लोगों का तो लक अच्छा था कि तुम लोग 8 ओवर के मैच में टॉस जीत गए और हमारे एक मैक्सवेल भाई हैं। तुम यार हमारी तरफ से खेल रहे हो या इंडिया वालों की तरफ से, हमें पता नहीं चल रहा है। अरे जो सेजलवुड वाह, तुम जरा भी टेंशन ना लो, आने वाला है अगले मैच में मैक्सवेल का तहलका वादक शतक। तब तक तुम लोग शांति बनाए रखो और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ।